नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उपसर्ग। और कोई सा भी एग्जाम उठा लो आप दोस्तों, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी राज्य की टेट भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन आपको उपसर्ग का उसके अंदर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम संपूर्ण उपसर्ग है उनके बारे में देखेंगे, एक एक उपसर्ग है उसको समझेंगे। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक। दोस्तों टॉपिक का नाम है हमारे उपसर्ग। सबसे पहले जो उपसर्ग है दोस्तों, इसके अंदर कौन सा है दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा इसके अंदर धातु है और कौन सा इसके अंदर प्रत्यय है, इनके बारे में हमें जानकारी जरूर लेनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उपसर्ग की बात करें तो उप तो लगा हुआ है इसके अंदर उपसर्ग। बात करते हैं दोस्तों हम धातु की, तो धातु है दोस्तों सृज। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साथ में हम प्रत्यय की, तो प्रत्यय रहेगा हमारा ज्ञेय दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उप है ये क्या है दोस्तों, ये है उपसर्ग यहां पे, और टॉपिक का नाम ही क्या है दोस्तों उपसर्ग। दोस्तों आगे अध्ययन कर लेंगे एक एक चीजों का। अभी आप जो उपसर्ग शब्द है इसके बारे में देखें, सृज यहां पे क्या है दोस्तों, यह है धातु और यह है ज्ञेय, ये क्या है आपके प्रत्यय। दोस्तों इसमें सीधा क्वेश्चन है जो आपके सामने आ सकता है कि उपसर्ग के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है उप है जो उपसर्ग लगा हुआ है यहां पे। बात यहां पे करते हैं कि उपसर्ग के अंदर धातु कौन सी है, सृज है जो धातु है दोस्तों, और ज्ञेय इसके अंदर कौन सा है दोस्तों प्रत्यय है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि कोई शब्द है या कोई धातु है उसके साथ अगर उपसर्ग लग जाता है, कोई धातु हो गई, या तो कोई धातु है या क्या है या कोई शब्द है, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, अगर इसके साथ प्लस में अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है। तो दोस्तों किसी धातु या किसी शब्द के आगे अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो धातु और जो शब्द है इनका जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। क्या बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं यहां पर आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं कि अर्थ है वो कैसे बदलता है। जैसे दोस्तों हम एक शब्द लेते हैं हार, कौन सा शब्द लेते हैं, हार शब्द लिया हमने, हार शब्द लिया है। अब हार शब्द है दोस्तों हमारे सामने, इसके सामने हम क्या करते हैं दोस्तों, प्र उपसर्ग लगाते हैं। अगर प्र लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, प्रहार। यहां पर जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है दोस्तों, प्र है, और हार हमारा क्या है दोस्तों, शब्द है। प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट लगना। क्या होता है, चोट लगना। यह हो गया हमारा हार है यहां पे धातु, और प्र हमने उपसर्ग लगाया। अब इसी हार के अंदर दोस्तों हमने क्या लगा दिया, आ उपसर्ग, तो शब्द क्या बन गया, आहार। आहार में हम देखते हैं दोस्तों, तो यहां पे दोनों के अंदर आपको धातु एक दिखाई दे रही है, उपसर्ग आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो हम बात कर लेते हैं आहार की, तो आहार का अर्थ होता है भोजन करना, भोजन करना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों यहां पर, कि शब्द या धातु के अंदर, एक शब्द या जो धातु है उसके अंदर अलग अलग उपसर्ग लग सकते हैं दोस्तों, जो मैंने आपके सामने यहां पे रख दिए हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा संस्कृत है इसके अंदर कुल जो उपसर्ग है वो कितने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा नहीं है दोस्तों, कम ही है। इनमें से अगर आपने इन सभी को रट लिया तो दोस्तों ये समझ लो कि आपके एक नंबर का जो इंतजाम है वो हो गया दोस्तों। संस्कृत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो संस्कृत के अंदर कुल 22 उपसर्ग है दोस्तों, कितने हैं, 22 उपसर्ग है। अब दोस्तों यहां पे 22 उपसर्ग है, इनमें से आपको सबसे बड़ा है कि आपको नाम किन किन के याद रखने हैं। पहला उपसर्ग है उसका आपको नाम याद होना चाहिए दोस्तों, पहला है आपका प्र उपसर्ग, और 22वां उपसर्ग कौन सा है, वो है उप उपसर्ग। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है संस्कृत के अंदर पहला उपसर्ग कौन सा है और अंतिम उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों 22 उपसर्ग है, उनमें से पहला है प्र, अंत है उप। अब चलते हैं दोस्तों हम उपसर्गों की ओर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक एक उपसर्ग में बताऊंगा आपको, आप आराम से अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं तो एक एक को नोट करते जाइए दोस्तों। और जो मैं बता रहा हूं 22 उपसर्ग है, इनमें से 12 आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों पहले उपसर्ग की ओर। पहला उपसर्ग लेते हैं हम दोस्तों, वो लेते हैं प्रह। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रह से हम शब्द कौन कौन से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं बना देता हूं परभौती, पहला शब्द बन गया आपके सामने प्रह उपसर्ग से। ये ऐसे शब्द है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट शब्द है, वही मैं आपके सामने उपसर्ग के साथ जो शब्द है वो लेकर आ रहा हूं दोस्तों। दूसरा हम देख सकते हैं परदेश। तीसरा हम देख सकते हैं दोस्तों प्रहकार। यहां पे दोस्तों आपको धातु या शब्द है वो दिखाई दे रहा है और साथ में क्या दिखाई दे रहा है, प्रह उपसर्ग, प्रह उपसर्ग और प्रह उपसर्ग, तीनों के अंदर आपको प्रह उपसर्ग है वो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। और साथ में आपको यहां पे धातु भी दिखाई, धातु या जो शब्द है वो भी यहां पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। तो पहला उपसर्ग है हमारा प्रह। प्रह से परभौती, परदेश या प्रकार, इस प्रकार से क्या है शब्द बनते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा जो हमारे उपसर्ग है वो है परा। परा उपसर्ग है दोस्तों। परा से कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे परामर्श शब्द बन सकता है दोस्तों, परामर्श। परामर्श के बाद अगर हम बात करें तो पराजयते, पराजयते, पराजयते के बाद अगर हम करें तो प्राभव। ये शब्द है दोस्तों जो किससे बन रहे हैं हमारे, ये बन रहे हैं परा उपसर्ग से दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं तीन नंबर उपसर्ग। तो तीन नंबर हमारा उपसर्ग रहेगा दोस्तों वो रहेगा अप उपसर्ग, और ये तो आप सभी को पता है दोस्तों। अब उप उपसर्ग से ज्यादातर जो शब्द पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों हमारे अपमानम, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो आपके सामने कौन सा है, अप उपसर्ग है दोस्तों। इसके बाद और बात कर लेते हैं अपवाद, इसके अंदर भी कौन सा है दोस्तों, अप उपसर्ग है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपहरणम, अपहरणम, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है दोस्तों। तीसरा हो गया। अब बात करते हैं चौथे उपसर्ग की। चौथा हमारा उपसर्ग है दोस्तों वो है सम उपसर्ग। क्रम से चल रहे जो संस्कृत के अंदर क्रम है उपसर्गों का, उसी क्रम से मैं आपको एक एक यहां पे बता रहा हूं दोस्तों। और जिन मित्रों ने लाइक शेयर नहीं किया है, अधिक से अधिक शेयर करते जाओ, हर एक मित्र अधिक से अधिक शेयर करो, हर साथी मेरा है जो इस वीडियो को शेयर करता जाएगा दोस्तों। सम उपसर्ग, सम उपसर्ग का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग जो शब्द है वो पूछा जाता है संयोग, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो संघर्ष कौन सा है, संघर्ष। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ये संस्कार जो शब्द है हमारा ये एग्जाम में क्या है, पूछा भी जाता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, यहां पे देखिए सम, सम और सम, तीनों के अंदर आपको सम उपसर्ग दिखाई दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, पांचवा है दोस्तों अनु, अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग की बात करते हैं तो अनु उपसर्ग के अनु गच्छति क्या बनेगा, धातु के साथ गम धातु के साथ अनु उपसर्ग लगाने से अनुगस्ती है जो क्या बन गया, हमारा शब्द बन गया दोस्तों। इसी प्रकार हम देख सकते हैं अनुवाद, क्या देख सकते हैं अनुवाद, अनु और वाद, अनुवाद उपसर्ग लगा हुआ है। अनुरूपम, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो शब्द है एग्जामो में जो पूछे जाते हैं वही शब्द आपके सामने मैं लेकर आता हूं दोस्तों। चलते हैं छह की ओर। छह नंबर हमारा उपसर्ग है अव उपसर्ग। अव उपसर्ग की बात करते हैं तो अव से शब्द बनते हैं अवतरती, अवतरती, पहला शब्द बन गया अवतरती। दूसरा हम बना सकते हैं अवसर, कौन सा, दूसरा बन गया हमारा अवसर। तीसरा हम बना सकते हैं अवकाश, यह हो गया हमारा कौन सा, छठा उपसर्ग। चलते हैं सातवें उपसर्ग की ओर। सातवां हमारा उपसर्ग है जो है निस उपसर्ग, कौन सा है, निस उपसर्ग है वो है सातवां उपसर्ग। निस से हम शब्द बनाते हैं तो जैसे निश्चय, क्या है, निश्चय, इसके अंदर निश्चय, तो इसके अंदर जो उपसर्ग है वो कौन सा है आपका, निस उपसर्ग है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं निश्चल, इंपॉर्टेंट है, तीन में यहां पे आपको शब्द बता रहा हूं, इनमें से ही अगर निश्चय आएगा तो इनसे ही पूछा जाएगा दोस्तों। निसंदेह, कौन सा, निसंदेह। तो दोस्तों पहला उपसर्ग देखा ना हमने प्रह, परभौती,
प्रदेश प्रकार। दूसरा उपसर्ग देखा हमने परा परामर्श पराजयते पराभु। तीसरा उपसर्ग देखा हमने अप अपमानस अपवाद अपहरणम। नेक्स्ट चौथा देखा हमने सम, सम का हो गया संयोग संघर्ष संस्कार। नेक्स्ट पांचवा हमने देखा अनु उपसर्ग, अनु से हो जाएगा अनुगच्छति अनुवाद अनुरूपम। छठवां उपसर्ग है हमारा औ उपसर्ग, औ से हो जाएगा औतरति अवसर अवकाश। सातवां उपसर्ग है हमारा वो है निस, और निस से हो जाएगा निश्चय निश्चल या निसंदेह। तो एक बार सभी साथी है जो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपोर्टेंट है सभी, तो एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट आठवें उपसर्ग की ओर चलता हूं दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट उपसर्ग की ओर। नेक्स्ट है हमारा आठ नंबर उपसर्ग है जो है हमारा निर उपसर्ग। सोचिए आप निर से कौन कौन से शब्द बनते हैं, कमेंट करके बताते रहिए। निर उपसर्ग से आप कौन कौन से शब्द है जो बना सकते हो दोस्तों, कमेंट करते जाइए दोस्तों। चलते हैं तो दोस्तों बात करते हैं हम आठवें उपसर्ग की। आठवां हमारे रहेगा निर उपसर्ग दोस्तों। बताइए जल्दी से किन किन साथियों ने कमेंट कर दिया है निर से। बहुत अच्छा, निर्गच्छति पहला उपसर्ग बन चुका है दोस्तों। निर्गच्छति पहला उपसर्ग आपके जो निर है उपसर्ग, उससे पहला शब्द आपके सामने है निर्गच्छति दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा आपका निरपराध, निर प्लस अपराध। दो हो गए। तीसरे की अगर हम बात करें इंपोर्टेंट की तो हो जाएगा दोस्तों हमारे निरोग, इंपोर्टेंट है दोस्तों निरोग, पूछा जा सकता है दोस्तों निरोग। ये हो गया हमारा निर उपसर्ग जो है आठ नंबर। चलते हैं नौ नंबर की ओर। नौ नंबर हमारा रहेगा दोस्तों वो रहेगा दुस। कौन सा रहेगा? दुस शब्द रहेगा दोस्तों। अब दुस की बात करते हैं तो दोस्तों दुस से बन जाएगा हमारे दुस्साहस, और बहुत बार पढ़ रखा है आपने ये शब्द। तो दुस्साहस के अंदर कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग है दोस्तों। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो दुष्क्रम, दुष्क्रम हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दुष्परिणाम हो गया, दुष्परिणाम। ये हो गया दोस्तों हमारा नौवां उपसर्ग दुस उपसर्ग। चलते हैं दस की ओर। साथ में लिखते जाइए हर एक साथी, और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। नेक्स्ट है दस नंबर दुर उपसर्ग। दुर से हम शब्दों की बात करें तो दुर से बनेगा हमारा दुराचार। कौन सा बनेगा? दुराचार। दुराचार के बाद हम बना सकते हैं दुर्जन। कौन सा बना सकते हैं? दुर्जन। दुर्जन के बाद हम बना सकते हैं दुर्लभ, दुर्लभ। दुर्लभ के बाद हम बना सकते हैं दुर्दशा। ये चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुर उपसर्ग की बात की जाती है तो दुराचार, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दशा, ये चारों के चारों क्या है? इंपॉर्टेंट है। सामने दिखाई दे रहा है आप सभी को इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? दुराचार, दुर प्लस आचार। सामने दिखाई दे रहा है दुर उपसर्ग है, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दशा। चलते हैं 11 नंबर उपसर्ग की ओर दोस्तों। 11 नंबर उपसर्ग है हमारा वी उपसर्ग, और देखते ही पहचानने वाला उपसर्ग है दोस्तों। बात कर लेते हैं वी उपसर्ग के शब्दों की तो हो जाएगा विसर्ग। पहला कौन सा हो गया? विसर्ग। आगे देखते हैं वियोग, वी योग। तो यहां पे उपसर्ग कौन सा है? वी उपसर्ग है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं विराट, इसके अंदर भी कौन सा है? वी उपसर्ग है। विश्वास, सवास, विश्वास, ये हो गया हमारा वी उपसर्ग। अब चलते हैं दोस्तों 12 नंबर उपसर्ग की ओर। 12 नंबर उपसर्ग है हमारा वो है दोस्तों आ उपसर्ग। कौन सा है दोस्तों? 12 नंबर आ उपसर्ग है। आ के हम देखते हैं तो आगचत। कौन सा हो गया दोस्तों? आगचत, इंपोर्टेंट उपसर्ग रहता है दोस्तों आ उपसर्ग। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा आहरती। इसके अंदर आगचत, आ प्लस गचत, आ प्लस हरती, आ उपसर्ग दिखाई दे रहा है आपको। आगे बात कर लेते हैं आहार। कौन सा उपसर्ग है? आ प्लस हार। नेक्स्ट चलते हैं 13 की ओर। 13 नंबर उपसर्ग है दोस्तों हमारा नी उपसर्ग। कौन सा है? नी। नी से हमारा हो जाएगा निवास। कौन सा हो जाएगा? निवास, निमंद, निमंद। इसके और देख सकते हैं नियोग। ये सभी क्या है दोस्तों? यह है नी उपसर्ग के बने हुए शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 14 नंबर।
14 नंबर हम लेते हैं दोस्तों, वो है हमारा अधि उपसर्ग। कौन सा है? अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग से अगर हम शब्दों की बात करें तो दोस्तों जैसे अधीन, क्या हो जाएगा? अधीन। आगे बात करें तो दोस्तों अधिकार, अधिकार। इसके अंदर कौन सा है? अधि उपसर्ग है। अधीन में कौन सा है? अधि उपसर्ग है। अधि सेते, इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों ये, अधि सेते, इसमें कौन सा है? अधि उपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट 15 की ओर। 15 नंबर दोस्तों हमारा जो उपसर्ग है वो है अपि उपसर्ग। अपि उपसर्ग की अगर हम शब्दों की बात की जाए तो वो हो जाएगा अपिधानम, अपिधानम, अपिधानम। नेक्स्ट की अगर हम शब्द की बात करें तो अपिहितम हो जाएगा ना, अपिहितम। अपि के बहुत कम शब्द मिलते हैं और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। अपिहितम के बाद में हम बना सकते हैं अपितु भी बना सकते हैं ना, अपितु। ये हो गए दोस्तों हमारे कौन से से? अपि से। एक बार फिर देख लेते हैं, और जिन साथियों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। निर उपसर्ग, निर से हो जाएगा निर्गच्छति, निरपराध, निरोग। शब्द देखते ही आप निर है जो इसको पहचान सकते हो। आगे बात करते हैं दुष् की, तो दुष् से हो जाएगा दुस्साहस, दुष्क्रम, दुष्परिणाम। दूर की बात की जाए तो दुराचार, दुर्जन, दुर्लभ और दुर्दशा। नेक्स्ट है वि उपसर्ग, वि से हो जाएगा विसर्ग, वियोग, विराट, विश्वास। आ उपसर्ग से देखते हैं तो आगच्छत, आहरंती या आहार। नेक्स्ट है हमारा नी, निवास, निबंध, नियोग। अधि उपसर्ग की बात करें तो अधीन, अधिकार, अधिसेते। नेक्स्ट 15 है अपि, अपि से हो जाएगा अपिधानम, अपिहितम, अपितु। दोस्तों जल्दी से आप है ना जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी से सभी साथी जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। एक जानकारी और दे दूं दोस्तों, जो आ उपसर्ग है हमारा, यह संस्कृत के अंदर इसको क्या बोला जाता है? आंग उपसर्ग भी बोला जाता है और इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो उसके अंदर आ नहीं दिखाई देगा, आंग दिखाई देगा दोस्तों। इस चीज का आपको क्या रखना है, वहां पे ध्यान रखना है। यहां आपके समझ में जल्दी आई इसलिए मैंने क्या लिख दिया था? आ उपसर्ग लिख दिया था। चलते हैं दोस्तों 16 नंबर उपसर्ग की ओर। 16 रहेगा हमारा अति उपसर्ग दोस्तों। कौन सा रहेगा? अति उपसर्ग रहेगा 16 नंबर। हर जो हमारा रीट के या सीटेट के अंदर या यूपीटेट के अंदर जो संस्कृत व्याकरण से टॉपिक है वो सभी के सभी इसी माध्यम से मैं एक एक है उनको कंप्लीट कराऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 16 नंबर उपसर्ग की ओर। 16 नंबर का जो हमारा उपसर्ग है दोस्तों वो है अति उपसर्ग। ध्यान से देख लें, कम उपसर्ग बचे हैं तो अति उपसर्ग। अति से बनाएंगे दोस्तों अत्याचार, इंपॉर्टेंट शब्द, पूछा भी जाता है, कंफ्यूजन वाला है दोस्तों। अत्याचार, यहां पे संधि हो रही है दोस्तों, ये आ रहा है दोस्तों तो संधि हो रही है, अत्याचार दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें अति से तो अत्यंत, अत्यंत, यहां पर भी संधि हो रही है, अति प्लस अंत दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें अति सहे, यह है जो किससे बन रहे हैं? अति उपसर्ग से। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर उपसर्ग की। 17 नंबर हमारा जो उपसर्ग है वो है सु उपसर्ग। सु से अगर हम बात करते हैं तो स्वागतम, स्वागतम, सु प्लस आगतम। नेक्स्ट है सुपरिचित, सुपरिचित, सु प्लस परिचित दोस्तों। आगे हम बात करें तो सुलेख, कौन सा हो जाएगा? सुलेख, अच्छा लेख। ये हो गया सु उपसर्ग। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का उपसर्ग, वो है दोस्तों उद उपसर्ग। ये दोस्तों उपसर्ग है, इनमें कोई ट्रिक नकाम नहीं आती है। इनको आपको क्या है कि अगर आपने जहां यहां पे दिखाई दे रहा है अति उपसर्ग शब्द दिखाई दे रहा है, अत्याचार, अत्याचार शब्द दिखाई दे रहा है, तो आप अपने दिमाग से इनको पता कर सकते हो अति प्लस आचार, तो यहां पे उपसर्ग कौन सा है? अति। रटना नहीं है, रटने में क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। बस आप समझ लो एक एक जो मैं तीन तीन दिखा रहा हूं, तीन तीन शब्द लिखा रहा हूं, इनको समझ लो, इनसे बाहर तो शायद जाएगा नहीं, अगर चला जाए तो भी आप पहचान कर आंसर दे सकते हो। उद उपसर्ग की बात करते हैं तो उद से हो जाएगा उल्लेख, कौन सा हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा उद्घाटन, उद्घाटनम होगा दोस्तों, ये उद्घाटन नहीं होगा, उद्घाटनम। उद्घाटनम के बाद में हम बात कर सकते हैं उत्कृष्ट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों वो सभी के सभी क्या है?
इंपोर्टेंट शब्द है वो ही आपके सामने लिख रहा हूं। यहां पे उद प्लस लेख, उद प्लस लेख उल्लेख हो जाएगा, उद्घाटनम, उद प्लस घाटनम और उद प्लस कृष्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं 19 नंबर, तो 19 नंबर है हमारा अभि उपसर्ग। कौन सा है? अभि उपसर्ग। अभि के अगर हम शब्द की बात करें तो अभियोग, कौन सा हो जाएगा? अभियोग। नेक्स्ट शब्द की बात करें तो अभीष्ट, इंपोर्टेंट शब्द है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, हर एक शब्द है वो बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। अभ्यागत, कौन सा हो जाएगा? अभ्यागत दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं 20 नंबर की, तो 20 नंबर है हमारा प्रति, इंपोर्टेंट रहता है, बहुत इंपोर्टेंट रहता है प्रति दोस्तों। प्रति की हम बात करते हैं तो प्रतिकार, कौन सा हो जाएगा? प्रतिकार। नेक्स्ट की हम बात करें तो प्रतिपक्ष, और वी लग जाए अगर पक्ष के तो विपक्ष हो जाएगा, वी उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिदिनम, ये कौन सा हो गया हमारा? प्रति उपसर्ग। चलते हैं 21 नंबर की ओर, 21 नंबर है हमारा परि उपसर्ग। परि उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो परि के बन जाएंगे परिश्रम, इंपोर्टेंट शब्द है ये भी, परिश्रम। परिश्रम के बाद हम बात करते हैं परिसर, परिसर। परिसर के बाद में हम बात कर सकते हैं परिजन। ये किससे हो गए दोस्तों हमारे? ये हो गए हमारे परि उपसर्ग से। अंतिम जो उपसर्ग है इसको आपको याद रखना है, ये है हमारा उप उपसर्ग, और इससे हम शब्द बात करें तो उपकार, कौन सा हो गया? उपकार हो गया, उपयोग हो गया। उपयोग के आगे हम बात करते हैं तो उपस्थिति हो गया। ये जो शब्द है ये किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं हमारे उप उपसर्ग से। एक बार फिर देख लेते हैं, जिन साथियों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन जो मैंने शब्द लिखे हैं इनको ध्यान से पढ़ लें। अति उपसर्ग, अति से शब्द बन रहा है अति, अति प्लस आचार यानी अत्याचार, अत्यंत, अतिशही। सु उपसर्ग, स्वागतम, सुपरिचित, सुलेख। उद उपसर्ग, उल्लेख, उद्घाटनम, उत्कृष्ट। अभि उपसर्ग, अभियोग, अभीष्ट, अभ्यागत। नेक्स्ट हमारा प्रति उपसर्ग, प्रतिकार, प्रतिपक्ष, प्रतिदिनम। नेक्स्ट है हमारा जो वो है परि उपसर्ग, परिश्रम, परिसर, परिजन। उप उपसर्ग जो अंतिम उपसर्ग है वो है उपकार, उपयोग, उपस्थिति। तो ये है दोस्तों हमारे 22 उपसर्ग। एक बार सभी साथी है जो कमेंट करके बता दें, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इनका। दोस्तों नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसके अंदर हम बात करेंगे वर्ण विचार की, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, जिसको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हमारे सामने आता है आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो कैसा लगा एक बार कमेंट कर दें, और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।